सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनता ने भाजपा नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया। फेसबुक पर ये वीडियो इसी दावे के साथ वायरल है। तो क्या वाकई में यूपी वासियों ने भाजपा नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की? इस दावे की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने जांच शुरू की। वीडियो को गौर से देखने पर हमें एक गाड़ी के ऊपर लगे स्पीकर पर आगरा लिखा हुआ दिखा। इस आधार पर कीवर्ड सर्च करते हुए हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली। न्यूज 18 इंडिया ने 7 दिसंबर को इस घटना के बारे में एक रिपोर्ट शेयर की थी। इस वीडियो रिपोर्ट के अनुसार आगरा में भाजपा ने एक बाइक रैली निकाली थी, जिसमें दो भाजपा नेताओं के समर्थकों के बीच विवाद हुआ था। अब खुद ही ये वीडियो रिपोर्ट देख लीजिए। क्या आगरा में दो बीजेपी नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहां बीजेपी की ओर से एक बाइक रैली निकाली गई, लेकिन इस रैली में पार्टी के ही दो नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह और बीजेपी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह के समर्थकों को एक दूसरे पर पत्थर फेंकते देखकर ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे के खून के प्यासे हों। कहा जा रहा है कि गाड़ी का सायरन बजाने जैसी छोटी सी बात पर वो एक दूसरे से उलझ गए। पहले गाली गलौज हुआ और फिर पत्थरबाजी। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। ये झड़प लंबे समय तक चली और पुलिस को हालात पर काबू पाने में वक्त लगा, जिसके बाद उसने घटना के वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। जो भी वीडियो फुटेज प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के इन दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है और इसी वजह से एक बार फिर सड़क जंग के मैदान में बदल गई। लाइव हिंदुस्तान ने बताया कि आगरा में भाजपा नेता अरिदमन सिंह की बाइक रैली के दौरान पीनाहट के पूर्व मंत्री सुग्रीम सिंह चौहान और अरिदमन सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। उन्होंने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इस वजह से कई लोग घायल भी हो गए। इस मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह समेत 146 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। यानी आगरा में दो भाजपा नेताओं के समर्थकों के बीच हुए विवाद के चलते पथराव हुआ था, जिसका वीडियो झूठे दावे के साथ शेयर किया गया कि यूपी की जनता ने भाजपा नेताओं की गाड़ियों पर पथराव किया।